बहुत समय पहले की बात है, मनोज रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर चला जाता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो वापस अपने गांव रामपुर आ जाता है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मनोज गांव के अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है। मनोज के सारे दोस्त उससे मिलकर बड़े ही खुश होते हैं। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब बातें करते हैं। मनोज अपने दोस्तों को कॉलेज के किस्से सुनाता है और सब लोग खूब मजे ले लेकर सुनते हैं। अरे यार मनोज, तू चला गया था ना तो हमारे ग्रुप की रौनक ही चली गई थी। कोई नहीं, अब मैं हूँ ना तो बस इस ग्रुप की रौनक दोबारा कभी नहीं जाएगी। सब दोस्त मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं और तभी वहाँ से शीतल नाम की एक लड़की गुजरती है। शीतल बड़ी ही सुंदर होती है। मनोज उस लड़की को देखता है तो उसकी नजर उस पर से हटती ही नहीं। कोई फायदा नहीं, वो लड़की तो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और इसका भाई बहुत ही खतरनाक है, तू इससे दूर ही रहना। पर इसे पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही यहाँ आई है। वो अपने बिरजू चाचा है ना, अरे उनकी भतीजी है ये। इसके माँ बाप गुजर गए तो ये दोनों भाई बहन तब से यहाँ बिरजू चाचा के पास रहने आ गए। ओ अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन मनोज को शीतल फिर से दिखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और बड़े प्यार से उससे बात करने जाता है। तुम वही हो ना जो कल उन लफंगे लड़कों के साथ बैठे थे, चलो निकलो यहाँ से। ओ हेलो मैडम, वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए दोबारा उनके बारे में ऐसा मत बोलना। दोस्त हैं तो क्या लफंगे नहीं हो सकते? वो लड़के ऐसे ही हैं तो हैं, समझे? पर उन्होंने ऐसा किया क्या है जो तुम उन्हें ऐसे बुरा भला बोल रही हो? एक नंबर के लड़कीबाज हैं वो सब, तुम्हें शायद पता नहीं पर वो ऐसे ही हैं। गांव की जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है। मनोज को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। मुझे सच में नहीं पता था वो सब ऐसे काम भी करने लगे हैं। मैं तो खुद 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया हूँ। देखो मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। शीतल को मनोज अच्छा और शरीफ लड़का लगता है, इसलिए वो उससे बात करती है। वो दोनों खूब देर तक बातें करते हैं और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो रोज मिलते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस बात का पता जैसे ही मनोज के दोस्तों को चलता है वो उससे बहुत ही चिढ़ने लगते हैं। शहर से आया है तो ज्यादा स्टाइल मार रहा है, वरना शीतल उससे क्यों बात करती? अरे अब कर भी तो क्या सकते हैं, जो मर्जी करो बस इस मनोज को शीतल से दूर करो, कुछ करना पड़ेगा इस शीतल का। हाँ यार ये तो सही कहा तुमने। तीनों दोस्त बस इसी दिन का इंतजार करने लगते हैं कि कब और कैसे वो शीतल को उनके दोस्त मनोज से दूर कर सके। एक दिन शीतल जब कुछ काम से कहीं जा रही होती है वो तीनों उसे घेर लेते हैं। कहाँ जा रही हो शीतल, तुम्हारी तो मनोज से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और तुम दोनों शादी करने वाले हो, चलो अब हमसे भी थोड़ी दोस्ती कर लो। मुझे जाने तो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दे, पहले हमसे बातें तो कर लो। मैं अभी जाकर मनीष को सब बता दूंगी कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, फिर देखना वो तुम सबका क्या करेगा। अरे यार ये तो मनोज को बता देगी, कोई पकड़ो इसे। उसके बाद रवि और राजू उसका मुंह दबा देते हैं ताकि वो चीख ना पाए। शीतल बेचारी कुछ ही देर में मर जाती है। इसे कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा यार, वरना सबको पता चल जाएगा। तीनों दोस्त मिलकर शीतल की लाश को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जहां पर हैंडपंप लगाना होता है। तीनों मिलकर शीतल की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कल यहाँ हैंडपंप लग जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन वहाँ हैंडपंप लग जाता है और शीतल की लाश वहीं गड्ढे के नीचे दबी रह जाती है। शीतल एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे मार डाला, मेरे घर वाले और मनीष मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ इस जगह फंस गई। तभी वहाँ दो लोग हैंडपंप से पानी भरने आते हैं।
आखिर लग ही गया हमारे गांव में हैंड पंप। अब किसी को इतनी दूर नदी से पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। सही बोल रहे हो बिल्कुल। चलो अभी से चलाकर तो देखो। हरिया हैंडपंप को चलाने लगता है और नीचे शीतल को हैंडपंप चलाने की आवाज आ जाती है। आ गया, कोई आ गया, पर कोई इस हैंडपंप से पानी नहीं पी पाएगा क्योंकि इससे पानी नहीं बस खून निकलेगा, खून। हरिया जैसे ही हैंडपंप चलाता है तो उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। चुड़ैल की कराहने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये लाल पानी कैसे निकल रहा है और ये किसी के कराहने की आवाज भी आ रही है। अरे अभी नया हैंडपंप है ना, इसलिए नीचे जमीन की गंदी लाल मिट्टी निकल रही होगी, और नया हैंडपंप है इसलिए कर रहा होगा आवाज। हाँ, शायद तुम सही बोल रही हो बहन। खून को लाल पानी समझकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर मनीष शीतल को ढूंढता ढूंढता उसके घर पहुँच जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, पर वो तो खुद शीतल को ढूंढ रहे होते हैं। मनीष वहाँ से उदास होकर चला जाता है और पूरे गांव में ढूंढने लगता है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक जाता है और उसी हैंडपंप पर पानी पीने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही हैंडपंप चलाता है और पानी पीने लगता है तो उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है और चुड़ैल की कराहने की आवाज आने लगती है। मनीष अपने खून से भरे हाथों को देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये सच है या सपना? हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा है, ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है जो मनीष को देखकर बोलती है, अरे बेटा उसमें से पानी मत पीना, मैंने सुना है उसमें से लाल पानी आता है। वो लाल पानी नहीं बल्कि खून है, खून। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसा भी भला कहीं होता है कि हैंडपंप से खून निकले? ये हंसने वाली बात नहीं है माँ जी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करके आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होगा क्या ये पानी है या खून। हे भगवान, हमारे गांव पर ये किसका श्राप लग गया जो पीने का पानी खून में बदल गया, ये बात तो हमें गांव वालों को बतानी होगी। मनीष और वो औरत गांव के लोगों को इस बारे में बताने लगते हैं और वहां खड़े राजू रवि और मुकेश की हालत खराब हो जाती है। कहीं ये सब शीतल का काम तो नहीं? पर वो तो मर चुकी है। मर चुकी है, यही तो घबराने वाली बात है। मतलब वो मर चुकी है और वो उसी हैंड पंप के नीचे है जिसमें से पानी की जगह खून आता है, कहीं ये सब उसका किया ही तो नहीं? अरे यार क्यों डरा रहा है। गांव के कुछ लोग इस बात का पता लगाने हैंड पंप पर जाते हैं। उनके साथ राजू रवि और मुकेश भी जाते हैं। एक आदमी हैंडपंप चलाने लगता है तो उसमें से खून आने लगता है और उसमें से चुड़ैल की अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। देखो देखो, ये कोई लाल पानी नहीं है, ये खून है, और ध्यान से सुनो, इसमें से किसी के कराहने की आवाज आ रही है जो पहले भी आ रही थी। हाँ हाँ, ये आवाज तो हम लोगों ने भी सुनी है, मुझे तो लगता है जरूर इस हैंडपंप के नीचे कोई चुड़ैल है। सही बोल रही हो तुम। चुड़ैल चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो तुम ही बताओ कि ये खून क्यों आ रहा है और ये आवाज किसकी है? हमें किसी पंडित को बुलाना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये सब क्या है। थोड़ी देर बाद वहाँ पंडित आ जाते हैं। वो हैंडपंप चलाते हैं तो उसमें से खून और चुड़ैल के कराहने की आवाज आने लगती है। पंडित आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है तो उसे हैंडपंप के नीचे चुड़ैल के होने का एहसास होता है जो वहाँ कैद है। पंडित इसके बारे में सबको बताता है। हमें इस जगह को खोदना होगा। कुछ लोग हैंडपंप को वहाँ से उखाड़ कर वहाँ की जमीन खोदने लगते हैं। राजू रवि और मुकेश की ये सब देखकर हालत खराब हो रही होती है। कुछ ही देर में वहाँ शीतल की लाश पड़ी दिखाई देती है और उसका भूत वहाँ से आजाद हो जाता है। अरे ये तो शीतल की लाश है, इसे किसने मार डाला? शीतल। अरे लाश तो लाश और चुड़ैल, बाप रे बाप, भागो यहाँ से भागो भैया।
आखिर मैं आजाद हो ही गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगी तुम तीनों को, मार डालूंगी और इसी हैंडपंप के नीचे तुम तीनों को दफनाऊंगी। कौन है तू और क्यों इन तीनों को मारना चाहती है? मैं वही हूँ जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है और इन तीनों ने मुझे मारा है। अब मैं इनको मारूंगी और अपनी मौत का बदला लेकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम शीतल हो सच में? और इन तीनों ने तुम्हें मारा? हाँ मनीष, इन तीनों ने मार डाला मुझे। चुड़ैल मनीष को सारी बात बताती है। इतने घटिया दोस्त हो तुम, मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने एक मासूम लड़की की जान ही ले ली। तुमको तो मैं ही अपने हाथों से मार डालूंगा। इन तीनों ने बहुत गलत किया है, पर इनको सजा गांव वाले देंगे, वही ठीक होगा। शीतल की लाश को वही उसी जगह पूरे क्रियाकर्म के साथ दफनाया जाता है और वापस उस पर वही हैंडपंप लगा दिया जाता है। शीतल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।